सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला आया है, जिसमें एक लुटेरी दुल्हन शादी के दूसरे दिन ही परिवार को नशा देकर घर में रखी नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। परिवार की बेहोशी का पता भी तब चला जब पड़ोसी रिश्तेदार घर पहुंचे। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि लुटेरी दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झाजनपुर निवासी संजय होटल में काम करता है। इसी 2 अगस्त को उसकी शादी बरेली में रहने वाली पूजा के साथ हुई थी। नई दुल्हन के आने से घर में खुशी का माहौल था। शनिवार रात दुल्हन ने सभी को खाना बनाकर खिलाया। परिवार के सभी सदस्य ऊपर घर में सो रहे थे, जबकि दुल्हन के साथ नीचे कमरे में, लेकिन सभी सोते ही रह गए। पड़ोसी में रहने वाले रिश्तेदारों का भाई प्रदीप जब घर पहुंचा तो पूरा घर बेहोश था। तब परिजनों को होश आया तो घर से दुल्हन पूजा गायब और रखी हुई नकदी 16,000 व जेवर आदि सब गायब थे। फौरन ही सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सबका इलाज चल रहा है। इस मामले में CEO सिविल लाइन राजेश कुमार ने जानकारी दी कि संजय की 2 दिन पहले शादी हुई थी। नई दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, कब तुम्हारी शादी हुई थी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? 22 तारीख हो रही थी। हाँ, घर पे आए, चाय पानी पिया था, खाने की तैयारी कर ली, खाना खिलाया, खाना खाने में हाथ पैंट ऑफ दूर लेकर आया घर से, वो फिर मिला, बेहोश हो गए। अच्छा, सुबह कैसे पता चला कि वो घर में नहीं है? और तो कुछ जेवर वेवर सामान लेके भी गई है क्या वो? शादी किसने कराई थी? शादी कौन कराया था? पापा ने, चाचा ने, कोई बिचौलिया था? लड़की कहाँ की रहने वाली थी? बरेली में। कहाँ की? उसका घर देखे थे तुम कभी? परिवार का कोई सदस्य उसका घर देखा है? पापा ने देखा था। उसके घर गए थे? तो क्या हुआ, कितने लोग घर में बेहोश हुए एक साथ? घर में सभी लोग बेहोश थे, जितने जने हैं। किस तरीके से हुए, क्या हुआ? खाने खाया था बस। खाना खाया था, क्या खाया? आलू लाए। कब खाया था? शाम के। कोई घर में प्रोग्राम था क्या? हाँ, शादी थी भाई। अच्छा, कब हुई थी शादी? शादी परसों हुई थी। फिर क्या, पूरी बात बताओ। शादी परसों हुई, रात फेरे फिर शुक्रात रात जो होती है ना, उसके हमने कमरा सजा दिया। हम जो अभी चले गए ऊपर, तो दोनों भैया भाई को कमरे में बंद करके, भैया को कुछ दे दिया हमारे भाई भाई को, जब बेहोश हो गए फिर हम हमारे पास तो गए थे, नशा तो होगा, तो मुझसे बोले दीदी मेरी भाभी चली गई तेरी, और मौसी भी चली गई। अच्छा, हम ऊपर से होले होले आए तो भी हम जीने पर से गिर गए, होले होले आए पर फिर सामान के देखा था ताला टूटा हुआ नीचे। तो वो सामान वामान भी लेके गई है? सामान में सामान कुछ भी नहीं है घर में। अच्छा, उन लगे सोने के चैन है, सोने का पैंडल है और चांदी की चैन है। या तुम्हारी भाभी सब लेके चली गई? सब लेके चली गई। कहाँ से हुई थी शादी? शादी है सोई बरेलीगंज। बरेलीगंज से। क्या नाम है? पूजा। तुम्हारे भाई का? सही। कुल कितने लोग बेहोश थे? बेहोश है 6-7 जने थे, उस तो चले गए। ये जो एडमिट है 5 लोग, कौन है ये? मेरी बहन है, थोड़ा हाथ ऊपर, बहन भाई जी पीछे। अच्छा, क्या घटना हो गई? रात खाना खाया था, भाभी ने बनाया था खाना, रात भाई की शादी थी। तो भाई की शादी थी। तो कब शादी हुई थी? परसों। किस रात में खाना बनाया था? हाँ, वो कड़ी बनी हुई, वो आलू वाली की सब्जी। अच्छा, वही खाया, सब कुछ करा। अच्छा, तो कब आप लोगों को पता चला? रात के 3 बजे। 3 बजे पता चला वो चली गई है। हाँ, फिर अब तक कहाँ थे ये लोग, भर्ती कहाँ कराए थे? भर्ती कहीं नहीं कराया, अभी लेकर आए उनको। क्या क्या ले गई वो? पैसे ले गए, उनको जेब ले गए। कितने पैसे ले गए लोग? 15-16 हज़ार। बरेली में किस जगह सर? मंदिर में दिखाई गया, मंदिर वहाँ से मंदिर। घर नहीं देखा तुम लोग? कोई नहीं देखा घर कैसे थे? बिचौलिया था? बिचौलिया था।
कहाँ का रहने वाला था, क्या कहा उसने बिचौलिया का? कह रहा बोले सोनी उठारी रहे पापा वो तुम्हारे रिश्तेदार है संभल का जो है बिचौलिया। हाँ शादी से पहले कुछ पैसे लिए थे लड़की वाले? हाँ लिए। कितने रुपये लिए थे? 20,000। क्या कह क्या लिए थे? कह रहा हम गरीब हैं, हमें 20,000 मिले थे, हमको कुछ नहीं। एक मामला हुआ है कि शादी हुई थी, दुल्हन जो है सबको जहर खिला के बेहोश करके और सामान लेकर चली गई है, क्या है पूरा मामला? हाँ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव झाजनपुर है, जिसमें दो दिन पहले शादी हुई थी। 2 अगस्त को इनकी शादी बरेली में एक लड़की के साथ हुई थी। लड़की आई, एक दिन के साथ सही रही, दूसरे दिन शाम को इनका आरोप है कि खाने में कुछ मिला दिया, जिससे हम लोग बेहोश हो गए और घर के जो महत्वपूर्ण सामान थे उसको लेके गायब हो गई है। इन लोगों की तबीयत खराब थी, पड़ोसी लोग डायल 100 पे सूचना दिए, तत्काल डायल 100 पहुँच कर इनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। सभी खतरे से बाहर हैं और इनसे तहरीर प्राप्त करके जो भी इनके साथ हुआ है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो इसमें इनके साथ ऐसा बर्ताव किया है जिससे इन लोगों को इनका सामान गया है और इनके शादी करके वो सामान लेके चली गई, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या मुरादाबाद में इससे पहले भी घटना हुई है, क्या ये पूरा गिरोह? कुछ घटनाएं अगर हुई होगी तो उसका पता लगाया जाएगा। इस तरह के अगर कोई गैंग है तो उसके तह तक जाकर हम लोग इन्वेस्टिगेशन में करेंगे, जिससे आगे कोई घटना ना होने पाए। क्या लुटेरी दुल्हन का पता चल चुका है? पुलिस प्रयास कर रही है, जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाएगा।